हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कैपिटल गेन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं फॉरफिट तक। पिछले सेक्शन में मैंने आपको फॉरफिट तक पढ़ा करके छोड़ दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि हर एसएससी का इससे लगभग पाला पड़ जाता है। वो है सेक्शन 50C। सेक्शन 50C एप्लीकेबल होता है लैंड एंड बिल्डिंग पर। लैंड एंड बिल्डिंग पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 50C। सेक्शन 50C लैंड एंड बिल्डिंग पर कहता है सेल कंसिडरेशन के बारे में। सेल कंसिडरेशन क्या है कि अक्सर असेसी ये करते हैं कि जो सेल कंसीडरेशन होता है वो कम बता देते हैं। मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वो प्रॉपर्टी बेची है 1,00,000 रुपए की, और सेल कंसीडरेशन असेसी बता देता है कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने 10,000 रुपए की बेची है, तो ऐसा नहीं माना जाता। अब इसको कैसे इनकम टैक्स चेक करेगा? इसको इनकम टैक्स चेक करता है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, SDV। तो जितना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगा या फिर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन होगा, जो भी ज्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाता है कैपिटल गेन में एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें असेसी ये धोखा नहीं कर सकता कि बेच करके प्रॉपर्टी को 10,00,000 रुपए की और बता दे कि मैंने तो 1,00,000 रुपए की बेची है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो आएगी, जो एज पर स्टाम्प ड्यूटी, मतलब जितने पर स्टाम्प ड्यूटी लग रही है उसके अकॉर्डिंग जितना वैल्यू बैठेगा उस पर, उसको सेल कंसीडरेशन मानते हुए कैपिटल गेन उस पर निकलेगा। ये सेक्शन 50C कहता है, विच एवर इज हाई का कॉन्सेप्ट लगता है, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन या फिर स्टाम्प ड्यूटी जो वैल्यू SDV होती है, विच एवर इज हाई। तो ये हो गया सेक्शन 50C। इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट ये आया वैल्यूएशन ऑफिसर वाली बात। तो वैल्यूएशन ऑफिसर अगर कोई उससे निकलवा देता है, उसमें कुछ वो आ जाता है, तो फिर दोनों में से वो ले लिया जाता है। अगर वो उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम आ रही है तो वो कम ही एक्चुअल में लेगा, या फिर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, उसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर की अगर ज्यादा आ गई है और आपकी SDV कम आ रही है तो आप SDV को ले सकते हैं। दूसरी एक और चीज इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि 5% का इसमें ऊपर नीचे चल जाता है। मतलब 5% का ये चल जाएगा कि अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और SDV में 5% का डिफरेंस ही है सिर्फ, जैसे कोई प्रॉपर्टी 60,00,000 रुपए की है तो, और वो उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 62,00,000 आ रहा है, तो ये 5% से कम हो गया, तो इसमें ये हो गया कि 62,00,000 की जगह उसको 60,00,000 को भी कंसीडर कर लिया जाएगा। तो 5% का ऊपर नीचे इसमें एक्सेप्टेबल है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है सेक्शन 50CA। सेक्शन 50CA क्या कहता है? सेक्शन 50CA कहता है कि अगर सेल कंसीडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से कम है तो FMV को आप सेल कंसीडरेशन मानेंगे, मतलब FMV के अकॉर्डिंग निकलेगी। उसके बाद आता है सेक्शन 50D। सेक्शन 50D कहता है कि अगर कंसीडरेशन जो है वो डिटरमिनेबल नहीं है, मतलब आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते उसका फुल वैल्यू कंसीडरेशन, तो आपको जो FMV रहेगा ऑन टैक्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो FMV रहेगा उसको ही आप जो है उसका सेल कंसीडरेशन मानेंगे, उसी पर मतलब आप जो है कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज आती है कि SDV कब की देखेंगे, कि जिस दिन रजिस्ट्री हो रही है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है। ये एक बात और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि लैंड एंड बिल्डिंग तो मैंने खरीदी, मतलब मैंने अपने नाम रजिस्ट्री कराई है इसकी, ये समझ लीजिए क्या कि 2025 में, और मैंने इसका एग्रीमेंट कर लिया था 2022 में, और एग्रीमेंट करते समय SDV कुछ और था और रजिस्ट्री करते समय SDV कुछ और था। तो अगर एग्रीमेंट करते समय कुछ बैंक से ट्रांसफर हुआ है तो ही एग्रीमेंट वाला SDV मानेंगे। अगर बैंक से ट्रांसफर नहीं हुआ है, कैश में लेकर के, ये हो जाता है कि लोग बैक डेट में एग्रीमेंट बनवा देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बैंक से ट्रांजेक्शन होगी अगर एग्रीमेंट के टाइम पर तो ही एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद अब आता है एक और सेक्शन, सेक्शन 45। स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल गेन में हम लोग एक ऑर्डर में क्यों नहीं चल रहे हैं, पहले 50 पढ़ रहे हैं फिर 45 पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने 51 पढ़ लिया, तो इस ऑर्डर में क्यों नहीं चल रहे हैं, जैसे कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल रहे थे या सैलरी में हमने 15, 16, 17 पढ़ा। तो ये तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने PGPP में भी 37 आपको पहले बता दिया था
फिर मैंने आपको 31 से लेकर के फिर 36 तक ऐसे बताए थे। तो इसमें भी ये है कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कनेक्ट हो रहा हो कहीं ना कहीं, तो इसलिए क्या है कि जो सेक्शन पहले पढ़ रहा है उसको पहले पढ़ाया जा रहा है आपको, ऐसे नहीं ऑर्डर में ही पढ़ा देंगे। लेकिन क्या होगा, ऑर्डर में पढ़ाएंगे तो पहले तो बात सेल कंसिडरेशन की हो रही होगी, फिर एकदम हम फॉरफिट पे पहुंच जाएंगे, फिर फॉरफिट पे पहुंचने के बाद फिर वापस सेल कंसिडरेशन पर आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो जो सेक्शन एक दूसरे से अटैच्ड है, जो कनेक्टेड सेक्शन है, उसी ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्शन 45(1) का तो चार्जिंग सेक्शन में भी बात हो गई थी 45(1) की। अब इस 45 के अलग अलग और भी सेक्शन है, जैसे 45(1A, 45(2), 45(3), 45(5), 45(5A। तो इस तरह से सेक्शन 45 बड़ा एक वाइड सा सेक्शन है, लेकिन बहुत छोटा छोटा आपको मतलब एक दो लाइन में ही आपके क्लियर हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं सेक्शन 45(1A) क्या कहता है। सेक्शन 45(1A) कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई हो तो डिस्ट्रॉय में जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो वो ही आपका एक तरह से सेल। ये जो 45 सेक्शन 45 है ये डीम्ड सेल कंसिडरेशन पे है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेक्शन 45, ये है कि इन केस ऑफ डीम्ड सेल, मतलब आपकी एक्चुअल में सेल नहीं हुई है और ये डीम्ड सेल पर बेस है, जहां आपको एक्चुअल में नहीं आपने बेची है प्रॉपर्टी, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई है तो प्रॉपर्टी आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया या प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, तो उन कंडीशन में सेक्शन 45 लगता है। तो सेक्शन 45(1A) ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, जल गई है, राख हो गई है, या एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसी घटना हो गई है जिससे प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही है, तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम। जो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिला हुआ है, इंश्योरेंस से जो आपको मिला वही आपके लिए सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, कि आपको वही आपके लिए सेल वैल्यू मान ली जाएगी एक तरह से, फिर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन और ये सब इंडेक्सेशन कही है। और ये अब क्या है कि जिस साल में आपकी डिस्ट्रॉय हुई क्या उस साल में कैपिटल गेन देना है? नहीं, जब आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज कोई प्रॉपर्टी चल गई और इंश्योरेंस कंपनी पहले से रेडी बैठी थी और वो तुरंत आकर के आपको कि भैया लो पैसे ले जाओ, वो पूरी फॉर्मेलिटीज होने में, तो जिस ईयर में आपको रिसिप्ट हुआ है उस ईयर में देखा जाएगा कि आपको कैपिटल गेन उस ईयर में देना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ अब इंडेक्सेशन कब तक होगा अब देखना है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कि मुझे 2 साल बाद पैसा मिला, 1 साल बाद पैसा मिला, तो मेरा इंडेक्सेशन कब तक कब से कब होगा उसका वो देखा जाएगा जिस साल में प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हुई थी। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45(2). सेक्शन 45(2) कहता है कन्वर्जन ऑफ एसआईटी, मतलब कैपिटल एसेट्स को आप कन्वर्ट कर देते हैं अपने स्टॉक इन ट्रेड में। अब जब स्टॉक इन ट्रेड में आप अपने कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं तो क्योंकि यहां भी एक्चुअल सेल नहीं हुई है तो आप इसका सेल कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, आप ये कैसे बताएंगे कि कितने की प्रॉपर्टी थी? तो यहां पर एफएमवी देखा जाएगा, जो एफएमवी होगी फेयर मार्केट वैल्यू, वही इसका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45(3). सेक्शन 45(3) कहता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर जाता है, मतलब मैं कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हूं और एक एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म है, तो इफ मैं एज अ पार्टनर वहां पर अपने आप को, मतलब मैं, मेरा वहां पर उसमें एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, एज अ पार्टनर मैं जा रहा हूं और मैं वहां पर कुछ भी अपने शेयर के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहां पे क्या हुआ कि एक्चुअल में तो मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना शेयर के लिए कि भाई मुझे इसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिले जो ये काम कर रही है जो फर्म, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने एक प्लॉट उनको दे दिया। अब ये यहां पर क्योंकि एक्चुअल में पैसा नहीं आया यहां भी, ये भी डीम्ड सेल मानी जाएगी, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो जिस रेट पर फर्म ने उसको अपनी बुक्स में एंट्री की है उस प्रॉपर्टी की, उस बिल्डिंग की या उस लैंड की या उस जो भी आप चीज दे रहे हैं उसकी जिस रेट पर अपने बुक्स में एंट्री की है वही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45 का पार्ट सेक्शन 45(4). सेक्शन 45(4) क्या कहता है, सेक्शन 45(4) कहता है कि अभी तो हम बात कर रहे थे 45(3) में कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एसेट्स दी है, अब यहां बात करेंगे कि किसी पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो गया या कोई पार्टनर छोड़ करके जा रहा है या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई है जिससे पार्टनर एग्जिट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे कि अगर जो एफएमबी रहेगा उस कैपिटल एसेट्स का उस दिन का, जिस दिन वो
जा रहा है, जिस दिन ट्रांसफर हो रही है उस दिन कैफे में जो भी रहेगा वही आपके लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब आता है एक 45(5). सेक्शन 45(5) क्या कहता है? सेक्शन 45 है कंपल्सरी एक्वायरेशन हो गया आपकी एसेट्स का, मतलब आपके एसेट्स को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया है। कंपल्सरी एक्वायर करना मतलब होता है कि कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आ गया, कोई रोड प्रोजेक्ट आ गया, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो कंपल्सरी एक्वायरेशन हो जाता है। और उस रोड पर कोई हाईवे बन रहा है, कोई 4 लेन 8 लेन 6 लेन कुछ भी बन रहा है, कंपल्सरी एक्वायरेशन। तो कंपल्सरी एक्वायरेशन के केस में जो आपको इनिशियल कंपनसेशन मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इनिशियल कंपनसेशन पर आप टैक्स दे देंगे सेक्शन 45(5). अब सेक्शन 45(5A) मतलब सेक्शन 45(5A) क्या कहता है? सेक्शन 45(5A) कहता है कि जो आप स्पेशल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 45(5A) कहता है स्पेशल एग्रीमेंट अगर कोई हो रहा है, जैसे कि आपकी कहीं पर जमीन पड़ी थी और वहां कोई बिल्डर आता है और कहता है कि इस एरिया की पूरी जमीन मैंने ले ली है, या आपकी इंडिविजुअल जमीन उसने ले ली है बिल्डर ने, और मैं इस पर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, फ्लैट्स बना रहा हूं या कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं रियल इस्टेट का जिसमें है, तो स्पेशल एग्रीमेंट में अब आपने क्या कह दिया कि अगर आपने पैसा ले लिया तो सिंपल सी बात है सेक्शन 50C वाली बात आएगी वो, तो फिर कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हाई, वहां तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अब क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि बिल्डर के साथ पार्टनरशिप कर लिया, पार्टनरशिप इन द सेंस के मतलब कि उसके कुछ फ्लैट्स ले लिए जाए और कुछ फ्लैट्स में कमीशन अपनी मतलब कैश के रूप में प्राप्त कर लिया जाए, मतलब कमीशन तो उसको नहीं कहूंगा मैं, जैसे कि हो गया कि आपने आपकी कोई 1 करोड़ की प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी थी, उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने 2 फ्लैट ले लिए और 5-10 लाख रुपए आपने पर फ्लैट के अकॉर्डिंग आपको कैश मिलता चला गया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि जो भी दोनों की उन फ्लैट्स की FMV प्लस जो आपको कैश मिला है वो जो भी होगा वो आपके लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि फ्लैट मुझे आज उसने मुझे दे दिए, लेकिन अब मुझे अभी कैश भी वो आहिस्ता दे रहा है, अब मैं आज तो अभी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो गया, तो इसमें ये देखा जाएगा कि जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा तब मुझे उस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन मतलब मुझे तब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ हुआ और आज उसने कहा हमारा एग्रीमेंट हो गया तो अभी मुझे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर मैं जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होने से पहले ही वो अपने पास जो फ्लैट थे वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता हूं, उससे पैसे ले लेता हूं, तो सेक्शन 45(5A) मेरे लिए फिर एप्लीकेबल नहीं रहेगा अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये हो गया सेक्शन 45 के सभी पार्ट, सेक्शन 45(1A) सेक्शन 45(2), 3, 4, 5 एंड 5A। यहां पर सेक्शन 45A खत्म हो जाता है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 46A। सेक्शन 46A क्या कहता है? सेक्शन 46A कहता है कि अगर आप मतलब जैसे कि आपके पास कोई किसी कंपनी के शेयर है, आपके पास रिलायंस के शेयर है, आपके पास किसी भी XYZ कंपनी के शेयर है, अब वो शेयर बायबैक होते हैं, कंपनी बायबैक करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको तो कुछ भी नहीं करना है कि भाई वो तो शेयर आपके पास से जा रहा है, उसके राइट्स आपके पास से खत्म हो रहे हैं, तो उसमें तो कोई मतलब ये सोचने वाली बात नहीं। लेकिन बायबैक अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी कंडीशन दो रहती है। अगर कोई लिस्टेड शेयर है तो उसमें क्या रहेगा, उसके अंदर ये रहेगा कि शेयर होल्डर के लिए लिस्टेड शेयर टैक्सेबल रहेगा कैपिटल गेन के अंडर सेक्शन 46A, और कंपनी के लिए वो अगर लिस्टेड शेयर है तो नॉट टैक्सेबल रहेगा, और अनलिस्टेड शेयर का क्या होगा, अनलिस्टेड शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034A रहेगा और एडिशनल कंपनी के लिए वो एडिशनल इनकम टैक्स रहेगा, उसमें 23.296% का आपको टैक्स देना पड़ेगा एज अ कंपनी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कंपनी वाली बात आ गई और शेयर होल्डर की, लिस्टेड और अनलिस्टेड दो इसमें कैटेगरी आ गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया सेक्शन 46A तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सीए स्टूडेंट सीएमए स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बीकॉम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, हमें फेसबुक पर इंस्टा पर डीएम करके कभी भी पूछ सकते हैं। लाइफ चेंजर की टीम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एग्जाम सीए के तो कैंसिल हो चुके हैं, अब नवंबर में शिफ्ट हो गए हैं एग्जाम, तो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में और कैपिटल गेन को कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में पूरा कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।